Assalamualaikum everyone, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड या जो दो बंदों के सवाल थे उनके ऊपर है, और रिक्वेस्ट जो थी वो हिमांशु राजपूत और राजेश कमरा की थी। उनके सवाल जो आप कह लें या रिक्वेस्ट कह लें तकरीबन सेम ही थी, इसलिए मैंने आप दोनों के नाम लिए हैं इस वीडियो में। वो ये था कि जो हमारा काजल है वो लगते साथ ही थोड़ी देर में फैल जाता है और हमें समझ में नहीं आ रही हम उसके साथ किस तरह करें कि वो ईमानदारी से एक जगह टिका रहे। वो ये होता है कि हमारी आंखें जो हैं भीगती हैं, आंसू ना भी हों तो वो गीली होती हैं, और वो गीली होने की वजह से जो है वो फैलता है, या बाज़ दफ़ा सही ना लगा हुआ हो तो वो जो है फौरन ही फैल जाता है। क्योंकि जब हम आंखों के गिर्द अंदर की तरफ यहाँ लगाते हैं तो वो बाद दफा फैल के यहाँ लग जाता है, और वो अगर सही तरीके से नहा उसको फौरन ही ठीक कर लिया जाए तो वो तो गारंटी फैलेगा ही फैलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन सॉल्यूशंस दूंगी जो कि आपके काजल को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप रोए और आपने अपनी आंखें मस ली तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। अगर ये चीजें ना होंगी तो आपका काजल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। सबसे पहला और आसान सॉल्यूशन है आई पेंसिल जो कि वाटर प्रूफ हो। तो आप देख लें कुछ इस तरह की दिखती है वाटर प्रूफ पेंसिल, इस तरह करके उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। तो आपने ये देखना है कंपनी कोई सी भी हो, वाटर प्रूफ लिखा हुआ होगा तो बेहतरीन है। आपने उसको आंखों में लगा लेना है और उसके बाद वो अपनी जगह टिकी रहेगी। पेंसिल अगर थोड़ी सी फैल रही है तो उसको जो है हल्का सा आप एक ब्रश लेके ब्लेंड कर लें ताकि वो एक स्मूथ जो है फिनिश आ जाए और बिल्कुल भी फैला हुआ ना लगे। तो थोड़ा सा जो है आपने टेक्निक को भी इस्तेमाल करना है। तो पेंसिल लगा के अगर आपको पेंसिल लग रहा है कि वो परफेक्ट तौर पे नहीं लगी हुई एज अ काजल, तो आपने जो है एक ब्रश लेना है और ब्रश के जरिए जो है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है तो वो बेहतरीन एप्लीकेशन हो जाएगी। सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो है जेल लाइनर। जो जेल लाइनर मैं यूज कर रही हूँ वो इंग्लर्ट कंपनी का है, नंबर है 77। आप जेल लाइनर को एज अ काजल एक ब्रश की हेल्प से अपनी आंखों में लगाएंगे। उसको जब अच्छी तरह आप लगा चुके होंगे तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा फैल गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको लॉक करने के लिए ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, तो हम एक ब्लैक आई शेड यूज करेंगे, कोई सी भी कंपनी का हो। यहाँ पे मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो मुआ अकेडमी कंपनी का है। आप उसके ऊपर फौरन ही जो है आप अपना ब्लैक शेड लगाएंगे, और अगर जो है थोड़ा सा पाउडर सा फैल गया है तो उसको आप वाइट कॉटन बर्ड या गीले टिश्यू से जो है साफ कर लेंगे। वो इसलिए ताकि आपका जो काजल है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बैठे और जो गिर गया है या फैल गया है उसके साथ मिक्स होके जो है वो फैल ना जाए, इसलिए थोड़ी सी सफाई भी ज़रूरी है। और ये थोड़ी छोटी मोटी जो है आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आप जब एक दफ़ा उसको क्लीन कर लेंगे तो वो फिर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। लास्ट सॉल्यूशन है आईलाइनर। आईलाइनर जो है आप उसके जरिए जो है एक लकीर सी खींचेंगे अपने काजल के लिए, वो बॉर्डर होगा और एक तरह से प्रोटेक्शन सिक्योरिटी लाइन होगी जिसकी वजह से जो है आपका काजल फैलेगा नहीं। और जो आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ वो ये कीको कंपनी का है। आप वाटरप्रूफ अगर आपके पास है तो वो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो भी लाइनर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। तो आप इस तरह करके लगा लेंगे जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और उसके बाद अंदर आप अपना काजल यूज़ कर लें। अगर आपके पास वाटरप्रूफ पेंसिल है जो कि मैंने स्टार्ट में यूज़ की तो वो तो बेहतरीन है, वो और ज़्यादा जो है आपके काजल को ना फैलने की गारंटी दे देगी। ये तीन सॉल्यूशन से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका काजल अपनी जगह से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। जो छोटी मोटी मैंने टिप्स दी हैं वो भी आपने जरूर नोट करनी है, क्योंकि ये टिप्स ही जो होती हैं वो हमारे काजल को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। हम ये समझते हैं कि बस एक दफा लगा लिया तो बस ये टेक्निक बेहतरीन है। थोड़ी छोटी मोटी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस तरह से अपने काजल को आपने टिका के रखना है।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि काजल के शौकीन बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। कमेंट्स का आपके मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।